अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जनाब, क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए मुझे। अच्छा जी, मेरे ख़्याल में सब जो है वो तैयार हो के अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके क्लास के लिए बैठ गए होंगे, ऐसा ही है ना? तो अब मुझे ज़रा बताइए कि हमने पिछले क्लास में क्या किया था। जी हाँ, हमने पिछली क्लास में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। और हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 9, बाब नंबर 9। और चैप्टर का नाम बताइए जल्दी से, आराम व सुकून। और मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ के सुनाया था ना, आराम व सुकून। और मैंने आपको बताया था ये एक ड्रामा है, ठीक है? ये एक ड्रामा है, जैसे हम ड्रामे देखते हैं, तो आप समझिए ये एक ड्रामा ऐसा जिसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक। हमें पढ़ते हुए भी आपने सुना था ना, तो सुनते हुए आपको महसूस हुआ होगा कि पूरा ड्रामा एक्ट हो रहा है, एक सीन है पूरा, कौन आया कौन गया, एक्सप्रेशंस भी साथ साथ लिखे हुए हैं। तो ये एक ड्रामा है, ठीक। तो आज हमें क्या करना है? पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, आज क्या करेंगे जनाब? आज हम ये करेंगे कि आज हम इसकी करेंगे रीडिंग, यानी अपने चैप्टर नंबर 9, बाब नंबर 9, आराम और सुकून की हमें करनी है रीडिंग। तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करें। तो इसके लिए आप बुक ओपन कीजिए और जल्दी से पेज नंबर 41 निकाल लीजिए, ठीक है? पेज नंबर 41 से हमारा चैप्टर जो है ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से हम करेंगे रीडिंग स्टार्ट, ठीक। तो चलिए, सबने ओपन कर लिया, वेरी गुड। फिंगर रखेंगे वर्ड्स पे, मेरे साथ साथ वर्ड को करेंगे रीड, ठीक है? चलिए फिर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सबक का नाम पढ़िए मेरे साथ, आरामो सुकून, आरामो सुकून। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहले किरदार के नाम लिखे हैं, वो भी मेरे साथ पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि ड्रामे में कौन कौन से किरदार मौजूद हैं। पढ़िए साथ, किरदार शौहर अहमद, बेगम बेगम अहमद, डॉक्टर डॉक्टर, बच्चा जिसका नाम है मानी, मुलाजिम और उसका क्या नाम है? बंधु। चले अब आगे पढ़ते हैं। मकाम, एक कमरा जिसमें पलंग बिछा हुआ है, दीवार पर एक सीनरी है, बुक शेल्फ, टीवी, सिरहाने मोबाइल फोन रखा है। पहला मंजर, शौहर बिस्तर पर लेटा है, बेगम और डॉक्टर करीब खड़े हैं। डॉक्टर बीवी से मुखातिब होकर, देखिए परेशानी की कोई बात नहीं, बस थकन की वजह से तबीयत खराब हो गई है, एक दो दिन आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बेगम, ये तो आपने ठीक कहा, पिछले दिनों ये बहुत देर से घर आते थे, सुबह भी जल्दी निकल जाते थे, जाने ऐसा कौन सा काम था। शौहर को देखते हुए, बस अब दो तीन दिन घर पर आराम करें, काम की फिक्र छोड़ दें। शौहर बेचारगी से, डॉक्टर अच्छा अब मुझे इजाज़त दें, मैं दो दिन बाद दोबारा मुआयने के लिए आऊँगा। बेगम जल्दी से, डॉक्टर साहब कोई दवा तो आपने दी नहीं, खाने में क्या दूं? डॉक्टर नहीं, इन्हें दवा की ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की सेहत बख्श ग़िज़ा दें
कोई परहेज़ नहीं है, बस इनके आराम व सुकून का ख्याल रखें। अब आ जाएं पेज नंबर 42 पे। बीवी: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन सब बातों का ख़ास ख्याल रखूंगी। ऊंची आवाज़ में मुलाजिम को आवाज़ देती है, अरे बंधु, ओ बंधु, ये डॉक्टर साहब का बैग गाड़ी में रख दो और देखो घर में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर पर कहा है। बंधु: जी बेगम साहिबा। बेगम: अच्छा, अब जाओ डॉक्टर साहब की तरफ देखते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। डॉक्टर: जाते हुए। जी खुदा हाफिज़। डॉक्टर और बंधु चले जाते हैं। बेगम शौहर की तरफ देखते हुए जो आंखें बंद किए लेटा है, क्या सो गए? फिर शौहर का कंधा हिलाते हुए, क्या वाकई सो गए? शौहर आहिस्ता आवाज़ में, नहीं, बोलो क्या बात है? बेगम: वो मैं पूछ रही थी, खाने में क्या खाओगे? मैंने तो दाल और सब्ज़ी बनवाई है। डॉक्टर साहब ने सेहत बख्श खाना खाने को कहा है। सूप बनवाऊं या दलिया? शौहर बेजारी से, कुछ भी बनवा दो। बीवी जाते हुए, अच्छा अच्छा ठीक है, कमरे से बाहर चली जाती है। चलें भाई, एक काम करते हैं कि ये पढ़ा हमने इस सबक का पहला मंज़र, तो आज हम जो रीडिंग स्टॉप करते हैं वो यहीं कर लेते हैं, ठीक है? पहला मंज़र यहीं पे, यानी दूसरा मंज़र जो मौजूद है इसकी रीडिंग प्रैक्टिस आपने करनी है, छोड़ना नहीं है ऐसे भी, ठीक है ना? तो जितना भी हमने पढ़ा उसकी भी, और जो बाकी सबक बाकी है उसकी भी आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की मशक करनी है, ठीक है? और क्या करना है इसके लिए, एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनानी है रीडिंग करते हुए, और वो अपनी टीचर को भेज देनी है, ठीक है? पहला काम। दूसरा काम ये कि मैं आपको कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करवा रही हूँ, इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे और इनकी लिखने की मशक करेंगे, ठीक है? कौन कौन से वर्ड्स हैं? पेज नंबर 41 से वर्ड्स मौजूद हैं। पलंग, पलंग। फिर है सीनरी, सीनरी। इसके बाद बुक शेल्फ, बुक शेल्फ। फिर सिरहाने, सिरहाने। इसके बाद परेशानी, परेशानी। फिर तबीयत, तबीयत। इसके बाद आप अंडरलाइन कर लीजिए मुआयना, मुआयना। और इसके बाद एक आखिरी वर्ड और, सेहत बख्श, सेहत बख्श। तो ठीक है जनाब, आप इन वर्ड्स की लिखने की बहुत अच्छी मशक करेंगे और रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी टीचर को भेज देंगे, सही? तो चलें फिर, दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।